नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं समूह सखी के बारे में, कुछ प्रमुख मांग को लेकर। अगर आप स्वयं सहायता समूह की महिला हैं और आप समूह सखी हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको समूह सखी के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समूह सखी की जो प्रमुख मांगें हैं उसमें ये है, इनकी पहली मांग है कि कम से कम समूह सखी का मानदेय 6,000 रुपये प्रति माह किया जाए। दोस्तों, प्रमुख मांग बताने के बाद क्या सच्चाई है समूह सखी की, उसको भी इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो निवेदन करता हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इनकी दूसरी प्रमुख मांग है, परिवार में बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सुविधा सरकारी स्तर पर प्रदान की जाए। तीसरी मांग है, मेडिकल व इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए ताकि मेडिकली फिट रह सके। चौथा पोजीशन है इनका, जो चौथा प्रमुख मांग है वो है, गांव स्तर पर भ्रमण करने के लिए यानी जाने के लिए यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाए। ये चार रही समूह सखी की मांग। अगर मैं बताऊं तो समूह सखी बहनें 800 रुपये प्रति माह के अल्प राशि पर कार्य कर रही हैं, जबकि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर रखने का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। इसमें समूह सखी की भागीदारी काफ़ी सक्रिय है और आने वाले समय में सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो समूह सखी को वेतन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह में समूह की देखरेख के लिए समूह सखी की नियुक्ति की जाती है। ब्लॉक स्तर पर स्वयं सहायता समूह के लिए आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देना समूह सखी का काम होता है। स्वयं सहायता समूह में समूह सखी को कितना वेतन मिलता है, किस आधार पर वेतन मिलता है, ये मैंने आपको बताया, 800 रुपये अल्प राशि प्रतिमाह मिलता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ 2022 में समूह सखी को किस आधार पर वेतन दिया जा रहा है, तो वो आधार ये है कि समूह सखी को प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो समूहों पर एक समूह सखी की नियुक्ति की जाती है। स्वयं सहायता समूह में समूह सखी को समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आने वाले सभी योजनाओं की जानकारी देना एवं समूह का गठन करने से संबंधित एवं समूह चलाने रजिस्टर भरने से संबंधित समस्त जानकारी देनी होती है। समूह सखी की नियुक्ति संविदा पर की जाती है। संविदा पर नियुक्त की जाने वाली समूह सखी यदि अच्छा कार्य करती हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी की तरह भी वेतन मिल सकता है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं किया है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से समूह सखी की जो भी मांगे हैं उस मांग को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। निवेदन करता हूं, अगर चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।